एक गांव में अभिमन्यु नाम का एक कपटी और क्रूर स्वभाव का जमींदार रहा करता था, जो गांव के भोले भाले लोगों को कर्जा देकर उनसे भारी ब्याज वसूलता था। आज अभिमन्यु अपने दो साथी वीरू और विनय के साथ वसूली के लिए निकला था, तभी उसकी नजर गांव के ही एक किसान अशोक पर पड़ी। इस साल तो तेरी फसल बहुत अच्छी उगी है अशोक, मुझे भी बता देना कि आखिर तू खाद में मिलाता क्या है। कुछ नहीं अभिमन्यु जी, मैं खाद में कुछ भी नहीं मिलाता, बस जी तोड़ मेहनत करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और मेरी फसल हर साल अच्छी उगाती है। ये सब तो बातें हैं अशोक, सच तो ये है कि तेरी जमीन गांव की और जमीनों के मुकाबले उपजाऊ है। एक काम कर, तू अपनी जमीन को मुझे बेच दे, मैं तुझे जमीन की मुंह मांगी कीमत दूंगा। नहीं अभिमन्यु जी, ये जमीन मेरे पिताजी की निशानी है, उन्होंने इसी जमीन पर बड़ी मेहनत से हल चलाकर मुझे पाला पोसा और बड़ा किया है, मैं उनके आखिरी निशानी को कैसे बेच सकता हूँ। अशोक, मैं तुझे जमीन की दोगुनी कीमत देने को तैयार था, उन पैसों से तू इस जैसी दो और जमीन खरीद सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, जैसी तेरी मर्जी। इतना बोलकर अभिमन्यु अपने दोनों साथियों के साथ वहाँ से चला गया और क्रोधित होकर अपने साथियों से कहने लगा। पता नहीं ये अशोक अपने आप को क्या समझता है, मैं उसे उसकी जमीन की दोगुनी कीमत देने को तैयार था, फिर भी उसने मुझे अपनी जमीन नहीं बेची। ये तो आपका बहुत बड़ा अपमान है सेठ जी, भला आपकी बात को गांव में कौन काट सकता है, और न आज तक गांव में किसी ने आपकी बात काटी है। वीरू सही कह रहा है सेठ जी, अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो इस गांव के लोगों के मन में आपका डर समाप्त हो जाएगा। तुम दोनों चिंता मत करो, अशोक की उपजाऊ जमीन पर मेरी बहुत समय से नजर है, लेकिन अशोक एक पढ़ा लिखा इंसान है, मैं उसकी जमीन जबरदस्ती नहीं छीन सकता, लेकिन छीनूंगा जरूर, क्योंकि मेरे दिमाग में जो योजना चल रही है अगर वो सफल हो गई ना तो कुछ ही दिनों में उसकी उपजाऊ जमीन मेरे हाथ आ जाएगी। शाम को अशोक अपने घर आ गया, उसके परिवार में उसकी पत्नी अंजू और उसकी 10 वर्षीय बेटी निकिता थी। गांव में अशोक का मकान सबसे सुंदर बना हुआ था, अशोक के घर में उसका वफादार नौकर हरिया भी रहता था, जो अशोक के काम काज में हाथ भी बटाता था। आप आ गए मालिक, निकिता बिटिया कब से आपका इंतजार कर रही है, आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म भोजन लगाता हूँ, आज मैंने भोजन में सब आपकी पसंद की चीजें बनाई है। कभी कभी सोचता हूँ हरिया कि अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता, सच तो ये है कि मेरे परिवार को तुमने ही संभाल रखा है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, आपने मुझे अनाथ पर भरोसा किया, सड़क से उठाकर मुझे अपने घर पर लेकर आए और मुझे काम दिया, वरना मैं तो इस गांव में हर घर में धक्के देकर बाहर निकाला गया था। हरिया ने गर्मा गर्म भोजन परोस दिया, अशोक अपने परिवार के साथ भोजन करके सो गया। अगली सुबह उसकी पत्नी अंजू अशोक को घबराते हुए उठाती है। सुनिए जी, जल्दी उठिए जी। क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुखिया जी अभी अभी बोलकर गए हैं, अपने खेत में आग लग गई है, हरिया खेतों की आग बुझाने के लिए ही गया है। अंजू की बात सुनकर अशोक बुरी तरह से घबरा गया और वो खेतों की तरफ पहुंच गया, मगर उसने देखा कि उसके खेत जलकर राख हो चुके थे। अशोक बोला, हे भगवान, ये क्या हुआ, मैंने तो सरकारी बैंक से कर्जा ले रखा है, सोचा था कि फसल बेचकर अच्छी आमदनी होगी, अब मैं कर्जा कहाँ से चुकाऊंगा, नई फसल उगने में तो 6 या 7 महीने लग जाएंगे। चिंता मत कीजिए मालिक, एक उपाय है। कैसा उपाय? क्यों ना आप अभिमन्यु से कुछ पैसे उधार ले लीजिए और 6 महीने बाद उसे पैसे लौटा दीजिएगा। हरिया की बात सुनकर अशोक सोच में पड़ गया। ठीक है, मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं। अशोक अभिमन्यु की हवेली में पहुंच गया। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है अशोक, जिसने भी किया है ना, ईश्वर उसे कभी माफ नहीं करेगा। क्या तुमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई?
नहीं अभिमन्यु जी, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने से क्या फायदा? अब गांव में सीसीटीवी कैमरे तो लगे नहीं हैं जो पुलिस उसकी तलाश कर सके, और मेरी गांव में किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अशोक, तुम एक पढ़े लिखे और बुद्धिमान व्यक्ति हो। बोलो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मुझे सिर्फ 50,000 रुपए की जरूरत है। अभिमन्यु ने अशोक को 50,000 रुपए दे दिए और अशोक के एक पेपर पर सिग्नेचर भी ले लिए। अशोक पैसे लेकर घर चला आया, मगर कुछ ही दिन बाद अभिमन्यु अपने साथी वीरू और विनय को लेकर अशोक के घर पहुँच कर बोला, इस मकान को खाली कर दो। अभिमन्यु की बात सुनकर अशोक चौंक गया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुमने मुझसे 50,000 रुपए कर्ज लिया था और एक सादे स्टैम्प पेपर पर अपना अंगूठा भी लगा दिया था। उस स्टैम्प पेपर में साफ साफ लिखा है, अगर तुम 5 दिन में मेरी रकम मुझे वापस नहीं देते तो तुम्हारा घर, तुम्हारी जमीन, सब कुछ मेरे नाम पर हो जाएगा। ये तो मेरे साथ धोखा है। तुम्हारी जो मर्जी आए तुम समझ लो, अब सीधी तरह से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊँगा? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मुझ पर दया कीजिए। अभिमन्यु अशोक की बात पर अपनी जेब से एक ताश का पत्ता निकाल कर बोला, जिंदगी एक जुआ है अभिमन्यु, ये लो ताश का एक पत्ता जिसमें राजा का चित्र छपा हुआ है। इसका मैं क्या करूँगा? जंगल में इस ताश में राजा का छपा चित्र देखते रहना और सोचते रहना कि कभी तुम किसान होकर भी राजा की तरह जीवन व्यतीत किया करते थे। अशोक अपने परिवार को लेकर आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर से निकल गया। उसका नौकर हरिया भी उसके साथ चला ही था, मगर अभिमन्यु बोला, तुम यहाँ से नहीं जाओगे हरिया, तुमने शायद ठीक से सुना नहीं, अशोक का सब कुछ मेरा, मतलब उसका नौकर भी अब मेरा नौकर हुआ। अशोक बेचारा रोता हुआ जंगल की तरफ चला गया और 2 दिन तक जंगल में भूखा प्यासा अपने परिवार के साथ भटकता रहा। थक हार कर अशोक रोते हुए उस ताश के पत्ते को देखने लगा। अशोक के आंसू की एक बूंद उसी पत्ते पर गिर गई। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। वो पत्ता जिसमें एक राजा का चित्र छपा हुआ था अपने आप उछल कर खड़ा हो गया और उसमें से रंग बिरंगी रोशनी फूटने लगी और ताश के पत्ते के अंदर का राजा अशोक के सामने बाहर निकल कर खड़ा होकर बोला, तुम्हारे आंसू तो वाकई सच्चे मोती हैं, तुमने तो कमाल कर दिखाया। अशोक बुरी तरह से चौंक गया, कौन हो तुम? जादुई ताश के पत्ते का राजा। जिस ताश के पत्ते को तुमने पकड़ रखा था वो कोई मामूली ताश का पत्ता नहीं था, बल्कि जादुई ताश का पत्ता था। इस ताश के पत्ते को वो कपटी अभिमन्यु एक साधु से छीन कर ले आया था। मेरा जादुई पत्ता किसी भी सच्चे इंसान के हाथ में जाता है और उसका एक आंसू अगर इस पत्ते पर गिर जाए तो मैं जीवित हो जाता हूँ। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मेरा परिवार 2 दिन से भूखा है और रहने का कोई इंतजाम भी नहीं। जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना कहकर उस राजा ने अपना हाथ घुमाया और हाथ घुमाते ही बेहद सुंदर ताश के पत्तों का महल बनकर तैयार हो गया। ये महल तुम्हारा है अशोक, आज से इसके मालिक तुम हो। इस महल के अंदर हर सुख सुविधा मौजूद है और खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़ा, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तुम जो मुंह से बोलोगे तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। अशोक अपने परिवार को लेकर उस जादुई ताश के पत्तों के मकान में रहने लगा। कुछ दिन बाद अशोक को जंगलों में उसके ही गांव के न जाने कितने लोग भटकते हुए दिखाई दिए, जिनके घर अभिमन्यु ने छीन लिए थे। अशोक ने उन सबको अपने घर में रहने के लिए स्थान दे दिया। सारे गांव में ये बात प्रसिद्ध हो गई। जब ये बात अभिमन्यु तक पहुंची तो वो क्रोधित होकर अपने दोनों साथियों से बोला, ये सब क्या है? तुम दोनों जाकर पता करो कि आखिर ये चमत्कार अशोक के साथ हुआ कैसे। मैंने पता कर लिया है, आप जो वो ताश का पत्ता उस साधु से छीन कर लाए थे ना, वो जादुई पत्ता था।
मैंने सुना है कि जो चित्र उस जादुई ताश के पत्ते पर छपा हुआ था वो राजा जीवित हो गया था और उसी राजा ने अपनी जादू की शक्ति से अशोक को सब कुछ प्रदान किया है। आज अशोक के पास आपसे अधिक संपत्ति है। चिंता मत करो, उसकी एक कमजोरी मेरे पास अभी तक है, हरिया। अशोक एक दयालु व्यक्ति है, वो अपने नौकर के लिए कुछ भी करेगा। अभिमन्यु हरिया को पकड़कर अपने साथियों के साथ अशोक के महल में पहुंच गया और वो क्रोधित होकर बोला, वो जादुई ताश का पत्ता मुझे दे दे अशोक, वो मेरा है। अगर तुमने वो पत्ता मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हारे नौकर हरिया को जान से मार दूंगा। मुझे बचा लीजिए मालिक, वरना अभिमन्यु मुझे जान से मार देगा। वो ताश का पत्ता इन्हें दे दीजिए। अभिमन्यु की बात सुनकर अशोक रहस्यमयी अंदाज से मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम्हें हरिया को जान से मारना है तो तुम उसे जान से मार सकते हो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। अशोक की बात सुनकर सब हैरत में पड़ गए। मुझे सब पता लग गया है अभिमन्यु, मेरे खेतों में आग किसी और ने नहीं बल्कि हरिया ने लगाई थी और मुझे जानबूझकर तुम्हारे पास जाने के लिए कहा उसने। यहाँ तक कि जब तुम मुझे धक्के देकर मेरे ही घर से मुझे बाहर निकाल रहे थे और हरिया को बुरा भला बोल रहे थे, वो भी सिर्फ एक नौटंकी थी, लेकिन फिर भी मैं वो जादुई पत्ता तुम्हें जरूर दूंगा। इतना कहकर अशोक ने वो पत्ता अभिमन्यु के सामने फेंक दिया। अभिमन्यु ने जैसे ही वो पत्ता उठाया वो जलकर राख हो गए। तभी ताश से वही राजा बाहर निकल कर आया। मुझे पता था कि ये एक दिन तुझसे पत्ता लेने जरूर आएगा, अब से इस पत्ते को तुम सदैव संभाल कर रखना। अशोक आज भी अपने जादुई ताश के पत्तों के महल में ही रहता है।